हेलो एवरीवन। सो साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ साबूदाना ले लिया है। ये इसे मैंने 7 से 8 घंटे तक सोक करके रखा था और अब ये अच्छे से फूल गए हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इसे खिचड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। सो 3 टेबलस्पून्स जितना ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, फ्यू पीपल मेक इट इन घी, बट मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। अब ऑयल गर्म हो चुका है एंड 1 टीस्पून जितना क्यूमिन सीड्स मैं ऐड कर रही हूँ, मतलब जीरा, 1 स्लिट ग्रीन चिली मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैं थोड़ा कम स्पाइसी बना रही हूँ, बट यू कैन ऐड 2 और 3 स्लिट ग्रीन चिलीज, कुछ पोटैटो के पीसेस और कॉटेज चीज़ के पीसेस जो है वो मैंने लिए हैं, मतलब पनीर। पनीर इज़ टोटली ऑप्शनल, बट मैंने यहाँ पे दोनों को मतलब एक साथ मैं ऐड करने वाली हूँ। बॉइल्ड पोटैटोज के पीसेस कर लिए हैं एंड फ्यू पीसेस ऑफ कॉटेज चीज़, सो लेट्स ऐड इट। ये मैंने जो फ्रोज़न पनीर आता है ना वही यूज़ किया है। अगर आपको फ्रेश पनीर चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं उसके पीसेस करके, बट दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। सिर्फ पोटैटोज़ के पीसेस आप ऐड करते हैं तब भी वो उतना ही अच्छा बनेगा। कुछ कोरिएंडर लीव्स हैं जो मैं अभी डाल रही हूँ और कुछ हम बाद में डालेंगे। फैगो जो है वो ऐड कर देंगे हम अभी। ऑल द साबुदाना, तो साबुदाना जो है सो ये प्रॉपर मिक्स कर लिया है मैंने। And you need to add salt as per your taste. Add some salt. अच्छे से आप mix कर लीजिए। So 2 मिनट के लिए हम इसे cover कर देंगे और फिर crushed peanuts जो है वो add कर देंगे इसमें। ये जो crushed peanuts है वो मैं इसमें add कर रही हूँ। इसमें क्रश्ड पीनट्स थोड़े ज़्यादा लगते हैं, सो आई हैव एडेड दैट। इसे अच्छे से वापस मिक्स कर लेंगे। वापस हम 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। सो 2 मिनट हो चुके हैं और कुछ फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स हम और थोड़े ऐड कर देंगे लास्ट में भी। मिक्स दिस वेल एंड दिस इज ऑलमोस्ट डन। वो ऑलरेडी सॉफ्ट, तो सोक करने के बाद ही अगर प्रॉपर 7 to 8 आवर्स का आप सोकिंग करते हो तो वो अच्छे से रेडी हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में, एकदम जल्दी से ये बन जाएगा। सो यार दिस इज डन और अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। सो द खिचड़ी इज़ रेडी टू ईट।